हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मेरे इस नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस ब्लॉग में लेकर के आया हूँ दिल्ली में वेस्ट टू वंडर पार्क, और यहाँ का कैसा व्यू है, कैसा नेचर है और अंदर किस तरह की सुविधाएं हैं वो मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। इस पार्क की जो खासियत है वो है कि यहाँ पर जो भी चीज़ बनाई गई है वो सब कुछ वेस्ट से वही बनाया गया है, और यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है निज़ामुद्दीन। तो दोस्तों ब्लॉग को एंड तक देखिए। तो दोस्तों ये पूरी टिकट की समरी आप यहाँ से देख सकते हैं कितने का टिकट है, और मंडे को ये क्लोज रहता है। 50 रुपये पर टिकट है पर पर्सन। दोस्तों एंट्री लेने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ का एंट्रेंस है, और हमारी बाइक हमने साइड में पार्क कर दी है। बाहर पार्किंग की भी सुविधा है, जिसका चार्ज जो लिया जाता है वो लिया जाता है 20 रुपये पहला घंटा, उसके बाद से जो नेक्स्ट घंटा सेकेंड घंटे से फिर 10 रुपये चार्ज लिया जाता है। साथ ही एंट्री लेने के बाद आपको टॉयलेट की भी सुविधा यहीं पे ही बाहरी गेट पे ही मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ की जो खासियत है वो है कि यहाँ पर हमारे दुनिया में जितने भी 7 अजूबे हैं उन 7 अजूबों को इस जगह पे उनका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और वो भी सब कुछ वेस्ट से बनाया हुआ है। मैं वो आपको अब दिखाऊँगा। दोस्तों अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं पीसा का झुका हुआ मीनार, और वीडियो में भी ये झुका हुआ दिख रहा होगा। इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना तो मैंने इससे यहाँ पे डिटेल पूरी मेंशन कर दी है, आप उसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। दोस्तों अभी आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये है द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस स्ट्रक्चर, जो कि पूरा का पूरा वेस्ट से बना हुआ है। इसका नाम है एफिल टावर, जो कि पेरिस में है। और जो अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो मैंने यहाँ का आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लेस। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कितने सारे लोग जो हैं इसी एक स्ट्रक्चर के पास ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो दोस्तों ये था आईफिल टावर, और अब मैं आपको दिखाने लेके चाह रहा हूँ इसके थोड़ा सा और आगे, जो आप देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं इटली के जो रोम शहर में कोलोसियम, और ये भी इस जगह का मोस्ट अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर बनाया गया, और वो भी वेस्ट के द्वारा। आप ये जो पीछे देख रहे हैं स्ट्रक्चर कोलोसियम, जो कि रोम में है, इटली के शहर में, इटली देश के रोम शहर में है, और ये जो पूरा बना हुआ है पूरा का पूरा वेस्ट से बना हुआ है, जो कि लोहा टीन कबाड़ा जो भी रहता है वेस्ट उससे ही बनाया हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस तरह की यहाँ पे दिन में इतनी खूबसूरती है, रात में इससे कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि रात में यहाँ पे होती है लाइटिंग।